नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे नए वीडियो में। और हर बार की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक लेज़र जेट प्रिंटर के बारे में, और वो प्रिंटर है HP का लेज़र जेट टैंक MFP2606SDW। तो दोस्तों, इस प्रिंटर की डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि मुझे खुद ये 2 महीने की वेटिंग के बाद मिला है। आखिर क्या ऐसी बात है इस प्रिंटर में कि इसकी इतनी वेटिंग के बाद इसकी जो डिलीवरी है वो मिल पा रही है, और इसके क्या फीचर्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे ये वर्क करता है। तो बॉक्स ओपन होने के बाद इसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। और सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कुछ डॉक्यूमेंट जो इसकी यूज़र गाइड है, जिसमें इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सभी लिखे हुए हैं। और इसी पाउच के अंदर है एक केबल। ये केबल हमको PC से जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उससे आपके प्रिंटर को कनेक्ट करने के काम आएगी। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और उसके बाद यह है इसकी एक पावर कॉर्ड जो कि सप्लाई जाएगी प्रिंटर में, उसके काम आएगी। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका जो यूज़ है और क्या क्या फंक्शन है इस प्रिंटर के अंदर, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये एक ट्रे है जो कि प्रिंटर में जो हम पेपर फीड करेंगे उसके काम आएगी, जिसमें हमारे A4 साइज़ के पेपर रहेंगे, वो इस ट्रे में रखकर हम इस प्रिंटर में लगाएंगे। तो फ़िलहाल इसको रखते हैं साइड में और प्रिंटर को ओपन करते हैं। और वहीं अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लूटूथ, वाईफाई, USB और इथरनेट कनेक्टिविटी के साथ ये हमको मिलता है। और प्रिंटर में वाईफाई होने का एक अच्छा प्रॉफिट ये भी है कि आप अपने फ़ोन से प्रिंट या स्कैन कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग के बाद कुछ इस तरीके से है इसका लुक। और कलर की बात करें तो वाइट ग्रे कलर में विद मैट फिनिश के साथ ये हमको मिलता है। तो अनबॉक्सिंग होने के बाद हम बात करते हैं इसके अटैचमेंट की। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक ट्रे जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी, और इस ट्रे का यूज़ है, इस ट्रे को हम प्रिंटर के नीचे वाले एरिया में यहाँ पर फिक्स करेंगे इस तरीके से। जो नॉब है ये इस तरीके से इसमें फिक्स होंगे, और उसके बाद आप इसको इसमें लगा दीजिए, अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये ईज़िली। तो ये जो ट्रे है ये काम आएगा इस प्रिंटर में पेपर फीड करने के लिए। तो ये जो स्पेस है इसके अंदर आपके जो A4 साइज़ पेपर हैं वो फिक्स होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इसके जो स्लाइड दिए गए हैं जो पेपर को फिक्स करने के लिए उसके साइज़ के हिसाब से, सेम उसी टाइप से इसके नीचे भी है जहाँ पर आप अपने पेज रख के उसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बेस्ट फीचर के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है इसका ADF यानी कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो इसके अंदर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको कॉपी करना है वो सिंपली इसके ऊपर रख देना है, और उसके बाद ये एक एक करके जो डॉक्यूमेंट है वो अंदर लेता जाएगा, स्कैन करता जाएगा, और उसके बाद वो स्कैन होके यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे सारे पेज जो फोटोकॉपी करने हैं, और उसकी जो फोटोकॉपी होगी, जो ज़ेरॉक्स होगी, वो यहाँ इस ट्रे पर आपके सामने निकल आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मेन स्कैनर की। तो इस तरीके से जो स्कैनर है इसका वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक ग्लास है यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख के इसको बंद करके नीचे जो बटन दिए गए हैं इनसे आप ऑपरेट करके इससे फोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो एक और बेस्ट फीचर है वो है इसका ID कार्ड फोटोकॉपी करने के लिए। तो उसमें क्या करना होता है, ये जो नीचे आप बटन देख रहे हैं इसमें आपको एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, ये वाला
आईडी कार्ड फोटोकॉपी करने के लिए। तो इसका प्रॉफिट ये है कि आपको अगर इसमें आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करनी है तो आपको सिंपली इसको जो स्कैनर है इसका वो ओपन करना है, यहाँ अपनी आईडी रखनी है इस तरीके से, और उसके बाद इसको बंद करके आपको ये जो नीचे बटन दिया गया है फ़ोटोकॉपी करने के लिए आईडी कार्ड का, उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये जो स्कैनर है वो आधा वहाँ तक स्कैन करेगा जहाँ तक आपकी आईडी रखी हुई है। उसके बाद इसमें एक ग्रीन एलईडी है वो फ्लैश होगी, और उसके बाद आपको इसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैनर ओपन करके इसका डॉक्यूमेंट को पलट कर रखना है बैक साइड से, और दोबारा इसको बंद कर देना है, और एक बार फिर आपको ये बटन है जो आईडी कार्ड वाला उसको प्रेस करना है। तो इसका प्रॉफिट ये है कि आपको पेपर बार बार पलटना नहीं पड़ेगा बैक साइड कॉपी करने के लिए, एक ही बार में जो उसका कॉपी है दोनों साइड की वो सामने आ जाएगी। और अब बात करते हैं इसके कंट्रोल पैनल के बारे में। तो ये जो बटन है ये है मेन्यू बटन, यहाँ से आप इसकी जो डार्कनेस है, जो डेंसिटी है, उसको इस तरीके से कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और इस तरीके से यहाँ से इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसी मेन्यू बटन को आप दो बार प्रेस करेंगे तो इसमें जो फोटोकॉपी का ऑप्शन है वो आता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी निकालनी है, तो वो नंबर इसमें लिख के आते हैं, आप उस नंबर के ज़रिए आप जितनी फोटोकॉपी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंक लेवल को चेक करने की। तो इंक लेवल चेक करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में ये कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पर अभी जैसे ये फुल है तो इसकी जो लाइट है वो फुल है ऊपर तक, इसमें तीन लाइन है। अगर आपकी इंक कम होती है तो ये लाइन धीरे धीरे कम होती जाती है, और अगर आपकी जो लास्ट जो लाइन है आपके इंक लेवल ज़्यादा कम होता है, लास्ट तक पहुँचता है, तो उसके बाद ये जो एरो है ये येलो कलर का ब्लिंक करेगा, तो इसका मतलब आपको जो प्रिंटर है उसको रिफिल करने का टाइम आ गया है। और इसी के बाद अब हम बात करते हैं इसका जो डॉक्यूमेंट फीडर है, जो इसका ट्रे है जिसमें आप A4 शीट है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो फीडर है वो ओपन होता है ऊपर की तरफ। तो ये जो ट्रे है इसमें आपके जो A4 साइज पेपर हैं वो इस ट्रे के अंदर यहाँ पर रखे जाएंगे, और इनको स्लाइड करके आप उसको जो पेपर है उसको फिक्स कर सकते हैं इसके हिसाब से, उसका जो साइज़ है। और इसमें आपको एक बार में 300 से 400 पेज आराम से आपके इस ट्रे में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, और वो है इसकी रिफिलिंग। तो आपको सिंपली इसको इस तरीके से ऊपर उठाना है, और उसके बाद नीचे एक इसका कैप और है उसको भी आपको ऊपर उठाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला है ये। इसमें जो होल है सामने आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसमें आपकी जो इंक की बॉटल है वो आप इसके अंदर लगा दीजिए, और उसके बाद आपको ये बटन दिख रहा है इसको स्लाइड करना है इस साइड में, इसको आप स्लाइड करेंगे तो जो इंक की बॉटल है वो इसके अंदर पूरी खाली हो जाएगी। और इन सभी चीज़ों का जो प्रोसेसिंग टाइम है आपको केवल 15 सेकंड लगते हैं इस प्रिंटर को दोबारा रिफ़िल करने में। तो काफ़ी कम टाइम में ये दोबारा रिफ़िल हो जाता है, फोटोकॉपी करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर ये दिया भी गया है इसकी जो टाइमिंग है 15 सेकंड रीलोड विद HP लेजरजेट क्वालिटी। तो इसके जो रिफ़िल करने का टाइम है वो भी इसमें लिखा गया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कुछ और जो इसके फंक्शंस हैं वो लिखे गए हैं, जैसे कि लोएस्ट कॉस्ट पर पेज विद ओरिजिनल HP टोनर, और उसके बाद फास्ट ऑटोमेटिक टू साइडेड प्रिंटिंग विद 40 शीट ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो वो जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है वो इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक बार में आपके 40 शीट एक बार में इसके अंदर आप रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ये जो बटन है फोटोकॉपी का उसको प्रेस करना है, उसके बाद ये एक एक करके डॉक्यूमेंट अंदर ले दी जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर आते जाएंगे, और उसकी जो फोटोकॉपी होगी वो यहाँ पर इस ट्रे पर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो ADF है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ये काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है इस प्रिंटर में, जो कि आपके टाइम को बचाता है, बार बार प्रिंटर को ओपन करने से बचाता है। आप एक बार में जो उसके पेपर हैं वो लगा दीजिए यहाँ पर, और वो ऑटोमेटिक पेपर एक एक करके अंदर लेता है और फोटोकॉपी करके बाहर निकालता रहता है। तो दोस्तों ये था इस प्रिंटर का फुल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।